बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यकम रमज़ान मुबारक कब होगा, इस सिलसिले में माहिरे फलकियात ने ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फर्स्ट रमज़ान मुबारक कब होगा और पाकिस्तान के अंदर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट के ज़रिए ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कब रमज़ान का चांद देखा जाएगा और यकम रमज़ान कब होगा। तो इस सिलसिले में जो माहिरे फलकियात ने अपनी माहराना राय दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 13 तारीख को ग़ुरूबे आफ्ताब के बाद रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा और 14 अप्रैल को इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक होगा। फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर 13 तारीख को ग़ुरूबे आफ्ताब के बाद रमज़ान का चांद नज़र आएगा और इंशाअल्लाह 14 अप्रैल बुध के दिन यकम रमज़ान होगा। तमाम अहले पाकिस्तान को और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। तो इस सिलसिले में एक आम बात आपको बताता चलूं कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उनसे एक थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि उन्होंने ये उस ट्वीट में लिखा था कि पहला रोज़ा 14 रमज़ान को होगा जिसकी तस्दीक कर दी गई है। सब्सक्राइब कीजिए नमल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर क्लिक कर लें।